दोस्तों, एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं मैनेजमेंट बॉडी, एडमिन, कोऑर्डिनेटर, मैनेजर, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है वॉलेंटियर, क्योंकि बाकी के जितने भी काम होते हैं वो कंडक्ट करता है एक वॉलेंटियर, जिसके पर्सनल बेनिफिट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि डेवलप वैल्यूएबल स्किल्स। आप वैल्यूएबल स्किल को अपने अंदर जनरेट कर सकते हो, नए नए लोगों से रोजाना मिल सकते हो और उनसे सीख सकते हो, सर्टिफिकेट ले सकते हो, सैलरी ले सकते हो और करियर में ग्रोथ भी कर सकते हो। इंटरनेशनल टूर भी आपको मिलते हैं, फील्ड वर्क करने का मौका भी मिलता है, और इसमें अलग अलग कैटेगरी में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप वर्क कर सकते हो। उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है। रोल और वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी यह होते हैं कि आप प्लान कर सकते हो कैंपेन के लिए, यह आप ही को करना होता है। मैनेजमेंट आप सीखते हो, अवेयरनेस फैला सकते हो, फंड रेज इवेंट करते हो, डेवलप कम्युनिटीज, मेक एंगेजमेंट और ट्रेनिंग आप स्किल योर सेल्फ आप कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी कई जगहों से मिलती है, जैसे रिसोर्स पर्सन और टीचिंग के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, यूनिसेफ में आप अप्लाई कर सकते हैं, WHO में, RUC में, क्राई, हेल्प एज इंडिया, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हमेशा वैकेंसीज होती हैं वॉलेंटियर इंटर्नशिप या फेलोशिप के लिए, जहां पर आप अप्लाई करके एक रिकॉग्निशन ले सकते हो, मेंबरशिप ले सकते हो, प्लेस सर्टिफिकेशन ले सकते हो, इवन आप काम भी कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, NGO वॉलेंटियर किस तरह से बने, अगर आपने वो देखा है तो आपके लिए काफी वैल्यूएबल होगा और काफी लोग उससे सिलेक्ट भी हो चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके की कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं जहां से आप सर्टिफिकेशन लेकर के एक वॉलेंटियर या एनजीओ के इंटर्न के रूप में पहचाने जा सकते हैं। तो आप UNP एक प्रोग्राम होता है जो कि यूनिसेफ से रिलेटेड होता है, और इसमें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर आप रिमोट लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं और एक वॉलेंटियर या इंटर्न तरह काम कर सकते हैं। ये उसका एक पेज है ऐप UNP.org, जहां से आप फिल्टर का यूज करके वर्क फ्रॉम होम यानी कि ऑनलाइन या फिर ऑन साइट में आप वर्क कर सकते हो। अपनी कंट्री यहां से आप चूज कर लेंगे और वॉलंटियर कैटेगरी को आप चूज कर लेंगे, तो यहां पर आपको इस तरीके की वैकेंसीज मिल जाती हैं जहां पर आप सर्व कर सकते हैं एज अ वॉलंटियर या इंटर्न, और काफी अच्छी सैलरी होती है। इसमें एजुकेशन बाउंडेशन भी नहीं है, इसमें स्कूल लेवल कैंडिडेट, कॉलेज लेवल कैंडिडेट, एक जॉब सीकर भी अप्लाई कर सकता है और अच्छी अर्निंग के साथ काम भी कर सकता है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं कि किस तरह से UNP में आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा आपको यहाँ सर्टिफिकेशन भी मिलता है जो लाइफ टाइम के लिए आपको बताता है कि एक वॉलेंटियर या इंटर्न है आप, और उससे आपकी ग्रोथ होती है। इसी तरीके से हेल्प एज के पेज पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप एक वॉलेंटियर के तौर पर रजिस्टर तो कर सकते हैं, मैंने कई सारे वीडियो में बताया है, लेकिन इसके अलावा आप एक प्लेस सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। प्लेस सर्टिफिकेट का ज़्यादा महत्व यही होता है कि आप कहीं और अप्लाई करते हैं तो आप बता सकते हैं कि एक एनजीओ के तौर पर, एक वॉलंटियर के तौर पर मैंने प्लेज लिया है। तो यहां पर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां अगर आप प्लेज नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से एक पूरा पेज मिलता है जहां आप डिटेल देने के बाद सेंड करेंगे तो आपका एक सर्टिफिकेशन जनरेट हो जाता है। इस तरह से थैंक यू का एक मैसेज आ जाता है आपको, और नेक्स्ट पेज में जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस तरीके का एक सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाता है जो प्लेज फॉर एल्डर केयर के लिए आपके लिए होता है। कहीं आप अप्लाई करते हैं, यहीं अप्लाई करते हैं तो आपके लिए वैल्यूबल होता है। आप यहां नीचे डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करके इसको इमेज फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक प्लेस सर्टिफिकेट है जो कि एनजीओ से रिलेटेड है। इसके अलावा जो हमारे गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है NMBA, जो कि नशा मुक्ति के ऊपर काम करता है, उस वेबसाइट से भी आप प्लेस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जहां पर यहां इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, NMBA.DOSJEE.GOV की वेबसाइट है, टेक अ प्लेस का यहाँ ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके की एक शपथ ऑथ आ जाती है जो हिंदी और इंग्लिश में है। इसको आप प्रॉपरली पढ़ने के बाद टेक अ प्लेस पर क्लिक करेंगे तो जनरेट सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन आता है जहाँ नेम, एज, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को सिलेक्ट करके सबमिट करने पर आपका सर्टिफिकेट जनरेट होता है। और नेक्स्ट पेज में आपको NMBA और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूव्ड एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि प्लेज शो करता है, और आप डाउनलोड सर्टिफिकेट से इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके के और सर्टिफिकेशन आपको ई विद्या लोक से भी मिल सकते हैं जो कि टीचिंग से रिलेटेड होते हैं, और ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गरीब या फिर जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उनको पढ़ाने का काम करता है, जहां से आप एक टीचिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यानी आपको घर बैठकर ही ऑनलाइन पढ़ाना होता है, आप यहां से वॉलंटियर भी कर सकते हैं। आप इसी वेबसाइट पर स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको अलग अलग
अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, उसके अकॉर्डिंग आपको पोजीशंस मिल जाती हैं और उन पोजीशंस पर आप ऑनलाइन अप्लाई करके ही घर से ही आप पढ़ा सकते हैं उन बच्चों को और साथ में सर्टिफिकेट अर्जित कर सकते हैं। स्टाइफंड वगैरह भी इसमें मिल जाता है। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ CG मेंटरिंग तक के ऑप्शन हैं, ग्रामर टीचर के ऑप्शन हैं, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्कॉलरशिप, रीडिंग प्रोग्राम के भी यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग के ऑप्शन है जिस पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। आई वॉलेंटियर पर जाकर के आप एक वॉलेंटियर के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं और वहां लोगों की मदद करके आप स्टाइफंड के साथ सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं। इसी तरीके से भूमि NGO के ऊपर मैंने पहले एक बार वीडियो बनाया था, इसमें आप वॉलेंटियर विद अस के ऑप्शन पर क्लिक करके इनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पर इंटर्नशिप का भी ऑप्शन होता है, वॉलेंटियर का भी ऑप्शन होता है, इसके अलावा आप एक करियर भी बना सकते हैं। यहाँ जिस भी पोजिशन के लिए आप अप्लाई करते हैं, और जैसे वॉलेंटियर पर आपने क्लिक किया तो आपको एक पूरा फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आपको अपनी पूरी डिटेल देना होगी, और उस डिटेल के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर एक मैनर में पूरा का पूरा एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है जिसके बाद आप सिलेक्ट होते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं। हमारी पहचान के लिए मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं। यहाँ पर आप करियर ऑप्शन पर क्लिक करके एक इंटर्न के रूप में या फिर वॉलेंटियर के रूप में या जॉब करके लोगों की हेल्प कर सकते हैं और साथ में सर्टिफिकेट भी मिलता है। यहाँ पर गुडीज भी मिलते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मिलता है। इसके अलावा आप इंटर्नशाला पर जाकर के अगर फिल्टर पर NGO के ऑप्शन को पिक करेंगे तो आपको हजारों तरह की ऑनलाइन ऑफलाइन इंटर्नशिप या फिर वॉलेंटियर अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं जिसमें आप अप्लाई करके NGO के लिए सर्व कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि जितनी भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही हैं उनमें आपको पैसा नहीं देना होता है, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो कोई पैसा मांगता है तो आपको नहीं देना है। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जिनमें आप NGO में अप्लाई कर सकते हैं वॉलेंटियर इंटर्नशिप के रूप में। इसके अलावा अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी और चाहिए तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था 30 लाख NGO या लाखों इंटर्नशिप के लिए। आप उस वीडियो को देख करके वहां से अपॉर्चुनिटीज गेन कर सकते हैं, अपने लिए सर्टिफिकेशन जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।